बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स ग्रेड 9 का यूनिट नंबर 4 मोशन एंड फोर्स का टॉपिक न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टडी करेंगे। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है हमें? The acceleration of a body is directly proportional to the force acting on it and inversely proportional to the mass of the body. Newton's second law of motion में बताया गया है कि body की जो acceleration होती है वो force के direct proportion होती है, और body की जो acceleration है वो body के mass के inverse relation है। अगर मैं आपको इस example के ज़रिए समझाऊँ कि आपको दो पिक्चर्स दिखाई दे रही होंगी कि इसमें जो प्लेयर है वो फुटबॉल को किक कर रहे हैं, और जो ये गर्ल है ये कार को किक कर रही है। कार का मास और फुटबॉल का मास जो है वो सेम नहीं है। अगर हम बात करते हैं अभी फोर्स और मास की बात करें, फोर्स और मास का रिलेशन करते हैं। अब इसको अगर हमने मूव कराना है, फोर्स मास और एक्सेलरेशन की बात करते हैं कि कार को मूव कराना है और ये फुटबॉल को। अब कार का जो मास है वो फुटबॉल के मुकाबले में ज़्यादा है। अगर इन दोनों बॉडीज़ पर, मतलब फुटबॉल और कार, इन दोनों बॉडीज़ पर सेम फोर्स अप्लाई की जाएगी तो फुटबॉल की जो एक्सेलरेशन है वो कार के मुकाबले में ज़्यादा होगी। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि कार का मास ज़्यादा है और फुटबॉल का मास कम है, और फोर्स दोनों पर सेम अप्लाई की जा रही है। तो जब दोनों पर सेम अप्लाई की जाएगी फोर्स तो क्या होगा, फुटबॉल की जो है वो मूवमेंट ज़्यादा होगी क्योंकि उसका मास कम है। तो होना ये चाहिए कि जिस बॉडी का मास ज़्यादा होता है तो उसके ऊपर फोर्स भी ज़्यादा अप्लाई की जाती है, और अगर जिस बॉडी का मास कम होता है लाइक फुटबॉल, फुटबॉल का मास कम है तो अगर हम इसके ऊपर थोड़ी भी फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसकी मूवमेंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इससे हमें ये पता चला कि अगर बॉडी का मास ज़्यादा होता है तो फोर्स भी ज़्यादा अप्लाई की जाएगी, क्योंकि फोर्स और मास का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर बॉडी का मास कम होगा तो उसके ऊपर फोर्स भी कम लगाई जाएगी। और अगर बात करते हैं फोर्स और एक्सेलरेशन की, अगर बॉडी का मास कम होगा तो अगर हम उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। लाइक फुटबॉल की अगर हम एग्जांपल लें कि इसका मास कम है, अगर इसके ऊपर फोर्स ज़्यादा अप्लाई की जाएगी तो इसकी एक्सेलरेशन भी ज़्यादा हो जाएगी। मतलब इसकी फोर्स और एक्सेलरेशन का जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर फोर्स ज़्यादा अप्लाई की जाएगी तो उस बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है ट्रॉली की। अब यहाँ पे जो ये ट्रॉली है ये क्या है, ये एम्प्टी है और ये क्या है, फिल है। अब इन दोनों का मास अगर कंपेयर करें तो इसका मास जो है इस ट्रॉली के मुकाबले में क्या है, कम होगा। अगर मास कम होगा तो इसके ऊपर फोर्स भी कम अप्लाई की जाएगी, अगर मास ज़्यादा होगा तो इस ट्रॉली को मूव करवाने के लिए फोर्स भी ज़्यादा अप्लाई की जाएगी। डेरिवेशन ऑफ एफ इजिकल टू एम ए, एफ इजिकल टू एम ए ये डेरिवेशन है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। एफ क्या है, एफ इजिकल टू फोर्स, एम इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी, ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। एफ क्या है, ये बॉडी का फोर्स है, और एम क्या है, ये मास ऑफ द बॉडी है, और ए एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ए और एफ का क्या रिलेशन है, एक्सेलरेशन और फोर्स का क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन मीन अगर एक चीज़ इंक्रीज होती है तो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज होगी, अगर एक चीज़ डिक्रीज होगी तो दूसरी भी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही होगी तो फोर्स भी इंक्रीज होगी, और अगर किसी भी बॉडी की एक्सेलरेशन डिक्रीज होगी तो फोर्स भी डिक्रीज हो जाएगी। ए
इनवर्स प्रोपोर्शन टू एम, इनके एक्सेलरेशन और मास का जो आपस में रिलेशन है वो इनवर्स है. मीन एक्सेलरेशन जब इंक्रीज होगी किसी बॉडी की तो मास डिक्रीज हो जाएगा, और अगर मास इंक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाएगी. इस प्रोपोर्शन को अगर हम रिमूव करते हैं तो इसकी जगह पुट करेंगे ए. इसको अगर हम मिला के पहले लिखेंगे, कंबाइन करेंगे, ए डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू एम टू एफ एंड इनवर्स प्रोपोर्शन टू एम. इन दोनों इक्वेशन को हमने कंबाइन करके लिखे, ए इज इक्वल टू के एफ अपॉन एम. के कैसे है, के क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो हमने के पुट किया है इस प्रोपोर्शन की जगह. के की जगह अगर हम वैल्यू पुट करते हैं वन, तो ए इज इक्वल टू वन एफ अपॉन एम. वन क्या है, ये एफ अपॉन एम से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम. एम क्या है, इनके मास, वो एफ से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है. तो जहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब ये एम के पास होगा तो ये क्या है, एम से मल्टीप्लाई होगा. एम ए इज इक्वल टू एफ और एफ इज इक्वल टू एम ए. एफ इज इक्वल टू एम ए क्या है, ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन है. तो एफ इज इक्वल टू एम ए, यानी कि फोर्स इक्वल होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के. अब हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. एग्जाम्पल नंबर वन, अ बॉडी ऑफ मास 50 kg इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 m/s². फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. एक बॉडी है, उसकी उसका मास है 50 kg, 50 kg, और वो बॉडी मूव कर रही है कितनी एक्सेलरेशन के साथ, 5 m/s² के साथ. और अब हमें फाइंड आउट करना है कि बॉडी के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई की गई है. सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे. मास ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू 50 kg. बॉडी का मास कितना है, 50 kg. एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 5 m/s². बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है वो है 5 m/s². फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि बॉडी पर कितनी फोर्स अप्लाई की गई है. सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए. एफ इज इक्वल टू एम, एम क्या है, मास. मास की जगह हम पुट करेंगे 50 kg इंटू ए. ए की जगह पुट करेंगे 5 m/s². 5 और 50 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज 250. एफ इज इक्वल टू 250 kg इंटू m/s². किलोग्राम इंटू m/s² की इक्वल होता है न्यूटन के, तो एफ इज इक्वल टू 250 N. फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और न्यूटन की जगह न्यूटन का सिंबल पुट करेंगे कैपिटल एन. हैंस अ फोर्स ऑफ 250 N इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. और कितनी फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई की जा रही है, किसी भी बॉडी पर अप्लाई की जा रही है, वो है 250 N. एग्जाम्पल नंबर टू, अ कार ऑफ मास 1000 kg ट्रेवलिंग एट 100 km/h इज यूनिफॉर्मली ब्रॉट टू रेस्ट ओवर डिस्टेंस ऑफ 40 m. एक कार है, उसका जो मास है वो है 1000 kg, 1000 kg, और वो ट्रैवल कर रही है कितनी वेलोसिटी के साथ, 100 km/h. और उसके बाद उस कार ने 40 m का डिस्टेंस जब कवर कर लिया तो वो रेस्ट पोजीशन में आ गया, मीन वो कार स्टॉप हो गई है. फाइंड द एवरेज डीसेलरेशन एंड द एवरेज ब्रेकिंग फोर्स इन न्यूटन. अब हमें क्या फाइंड आउट करने है, कार की एवरेज डीसेलरेशन और एवरेज ब्रेकिंग फोर्स न्यूटन में फाइंड आउट करनी है. डीसेलरेशन क्या होता है, जब किसी भी बॉडी की एक्सेलरेशन डिक्रीज होती है, मीन कम होती है, तो उस बॉडी की जो एक्सेलरेशन उसे कहेंगे डीसेलरेशन, मीन नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर डीसेलरेशन को कहेंगे रिटार्डेशन. सबसे पहले हम डेटा फॉर्म करेंगे. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू 100 km/h.
कार की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 100 किलोमीटर पर आर। किलोमीटर पर आर को कन्वर्ट करेंगे हम मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर को सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, जो भी वैल्यू गिवन होगी हमारे पास उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, तो किलोमीटर कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। और आर को कैसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 1 आर इक्वल होता है 3600 सेकंड के, यानी कि एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, सो द आंसर इज 27.78 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, कार की फाइनल वेलोसिटी क्या है, vf इज इक्वल टू जीरो। कार की फाइनल वेलोसिटी जीरो क्यों है, क्योंकि जब कार ने 40 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया तो वो रेस्ट पोजीशन में आ गई। रेस्ट पोजीशन का मतलब ये होता है कि कार स्टॉप हो गई है। तो इस तरीके से कार की जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो है, जबकि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 27.78 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू 40 मीटर। कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 40 मीटर। फाइंड आउट क्या करना है, एक्सेलरेशन ऑफ द कार मीन डीसेलरेशन ऑफ द कार फाइंड आउट करना है, ब्रेकिंग फोर्स ऑफ द कार फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव, इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सबसे पहले हम फाइंड आउट करें डी एक्सेलरेशन डीसेलरेशन। तो डीसेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए मोशन की इस इक्वेशन को पुट करेंगे। फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी है 27.78 इज इक्वल टू 2, फॉर्मूले का या इक्वेशन का 2 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना है 40 और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। 2 और 40 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज 80। 80 ए से क्या है, मल्टीप्लाई। तो जब हम इसको लेफ्ट साइड पर ले करेंगे तो 80 जो है ये इस वैल्यू से डिवाइड होगा। जीरो का अगर स्क्वायर लेते हैं तो आंसर इज ज़ीरो, और उसकी जगह हम पुट फिर उसके बाद यहाँ पे पुट करेंगे माइनस 27.78 मल्टीप्लाई बाय 27.78। 27.78 को हमने 2 टाइम क्यों लिखा है, क्योंकि 27.78 के जो पावर है वो 2 है। जब 27.78 की पावर 2 होगी तो इसका मतलब ये है कि हम उसको 2 टाइम्स लिखेंगे। 27.78 मल्टीप्लाई बाय 27.78 डिवाइडेड बाय 80, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, आंसर इज माइनस 9.646 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास एवरेज डी एक्सेलरेशन आई, ए इज इक्वल टू माइनस 9.65 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव साइन में ही है। नेगेटिव एक्सेलरेशन ये शो करती है कि जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज हो रही है। जब भी एक्सेलरेशन डिक्रीज होगी तो उसे कहेंगे डीसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। तो हमारे पास ये है एवरेज डीसेलरेशन। यहाँ पर वैल्यू थी हमारे पास माइनस 9.646, 4 के बाद क्या है 6, तो इसीलिए 4 को राउंड ऑफ कर देंगे, तो आंसर इज माइनस 9.65 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये हमारे पास है एवरेज डी एक्सेलरेशन। डीसेलरेशन है जो कि नेगेटिव साइन में आई है। मास ऑफ द कार इज इक्वल टू 1000 kg, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 9.65 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स हमने फाइंड आउट करनी कि जो कार है उसके ऊपर एवरेज ब्रेकिंग फोर्स जो है वो कितनी अप्लाई की गई, यानी कि एवरेज फोर्स कितनी अप्लाई की गई है वो फाइंड आउट करने है। तो एफ इज इक्वल टू एम ए, एम मास कितना है 1000, एक्सेलरेशन क्या है माइनस 9.65, माइनस 9.65 1000 से क्या हो रही मल्टीप्लाई, तो आंसर इज माइनस 9650 न्यूटन। न्यूटन क्या है, ये फोर्स की यूनिट है। तो अब हमारे पास फोर्स की जो वैल्यू आई है वो नेगेटिव साइन में आई है। द नेगेटिव साइन टेल अस दैट फोर्स इज अपोजिंग द मोशन। अगर हमारे पास फोर्स की वैल्यू नेगेटिव साइन में आती है तो इसका मतलब ये है कि फोर्स जो है वो मोशन को अपोज कर रही है, यानी मोशन क्या है, मूवमेंट है। तो यानी कि किसी भी बॉडी की जो मूवमेंट है
उसको जो है फोर्स रोकने की कोशिश कर रही है, उसको कम करने की कोशिश कर रही है। यानी कि जब भी हमारे पास फोर्स की वैल्यू नेगेटिव साइन में आएगी, इसका मतलब ये है कि फोर्स क्या है, वो किसी भी बॉडी की मोशन को डिक्रीज कर रही है। तो ये हो गई हमारी एग्जांपल नंबर 2।